देखिए, आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कि पिछली क्लास में हमने टैक्स एडजस्टमेंट सीख ली थी, किस तरीके से टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। एंड देन आज हम आगे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड। सबसे पहले मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर परचेज करके बताया था किस तरीके से हम परचेज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ डाटा देखा है, ये हमारे पास परचेज का डाटा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेल का डाटा है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेल कंप्लीट करी हुई है अपनी। देन जब हमारी सेल भी हो गई और हमारी परचेज भी कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद हम लोग जाते हैं डिस्प्ले के अंदर और आपको मिलता है यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में सबसे पहला आता है जीएसटी समरी। जीएसटी समरी हमने पहले भी डिस्कस करी थी, इंटर मारते हैं। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। जो भी मेरी स्टार्टिंग डेट होगी और जो मेरा मंथ होगा, उस मंथ की लास्ट डेट डाल दूंगा। जैसे मैंने अप्रैल मंथ, सॉरी जुलाई मंथ सेलेक्ट करा है, तो मैंने यहाँ पर डेट जुलाई मंथ की डाल दी और इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके करा तो मुझे यहाँ से मिला कि मेरा इनपुट टैक्स 4 करोड़ रुपए के, मैंने टैक्सेबल वैल्यू जिसपे 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए तो आईजीएसटी बन रहा है और 38 करोड़ रुपए आपका सीजीएसटी। टोटल मिला के मैंने गवर्नमेंट को 91,000 रुपए टैक्स के पे कर रखे हैं और मुझे पार्टियों से मिला कितना, टोटल 4 लाख रुपए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक हमारा इनपुट होता है, जहां इनपुट की बात आती है वो हमारी परचेज होती है, ठीक है, और जहां हमारी आउटपुट की बात आती है वो हमारे लिए सेल होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना, इनपुट मतलब परचेज और आउटपुट मतलब सेल। तो यहाँ पर इनपुट दिखा रहा है, पता चला कि हमारी इनपुट जो टोटल हुई है वो 91 करोड़ रुपए की हुई, 91 लाख रुपए की टैक्स की हुई है। तो हमारी परचेज का इनपुट बन गया टैक्स इनपुट 91, एंड देन हमारा सेल टैक्स जो बना वो हमारा बन गया 59,185। और हमने लास्ट क्लास में फार्मूला सीखा था कि नेट टैक्स निकालने का एक फार्मूला होता है कि सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स। मैंने यहाँ सेल टैक्स लिखा एंड परचेज टैक्स, और नेट टैक्स बनाने के लिए मैंने फार्मूला यूज करा नेट टैक्स, एंड साथ साथ मैंने बोला परचेज का अमाउंट सेल का अमाउंट 59,185 माइनस 100,105। एंड देन मैंने जैसे इसके आगे जीरो लगाया तो मुझे एक्चुअली रिजल्ट पता चला कि मुझे गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू मेरी माइनस में आती है तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करती है, और अगर वैल्यू प्लस में आती है तो गवर्नमेंट को मुझे पे करना है। अभी इस कंडीशन में अगर वैल्यू मेरी माइनस में है तो गवर्नमेंट मुझे क्या करती है, रिफंड करती है। क्या करेगी गवर्नमेंट, मुझे रिफंड करेगी। देन नेक्स्ट, उसके बाद गवर्नमेंट हमें कौन से टैक्स में रिफंड करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आईजीएसटी होता है हमारे पास, फिर आईजीएसटी के साथ साथ हमारे एसजीएसटी होता है और फिर सीजीएसटी होता है। तो गवर्नमेंट किस टैक्स के अगेंस्ट हमें पैसा देगी, तो इसका भी एक अपना फार्मूला होता है। आईजीएसटी का अपना एक फार्मूला होता है। अगर आप आईजीएसटी निकालना चाहें तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि सेल का आईजीएसटी माइनस परचेज का आईजीएसटी। एक हमारे पास होता है नेट सीजीएसटी, इसका एक अपना फार्मूला होता है, सेल का सीजीएसटी माइनस परचेज का सीजीएसटी। हमारे पास एक फार्मूला होता है नेट एसजीएसटी, इसका फार्मूला होता है सेल का एसजीएसटी माइनस परचेज का एसजीएसटी। हमारे पास फिर इनका यूटिलाइजेशन करना होता है, इसके लिए होता है आईजीएसटी बराबर आईजीएसटी से माइनस हो जाएगा सीजीएसटी, और अगर तब भी एक्सेस है तो आईजीएसटी माइनस हो जाता है एसजीएसटी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन होता है सीजीएसटी माइनस आईजीएसटी, और हमारा एस का यूटिलाइजेशन होता है एसजीएसटी माइनस आईजीएसटी। देन इन टॉपिकों को समझना जरूरी है, और यही क्वेरीज यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुई है वो इन्हीं टॉपिकों के बेस पे हुई है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जहां भी आपकी टैक्स की बात होती है वो इस वे में यूज करनी है आपको। सबसे पहले मेरा टैक्स कितना है टोटल आपको यहाँ लिख लेना है अपनी एक रफ रजिस्टर पे। मैंने यहाँ टैक्स लिख लिया अपना,
मैंने बोला मेरा परचेज का टैक्स इतना है और सेल का टैक्स इतना है, बट मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि देखने में इजी हो जाए। मैंने यहाँ लिखा IGST और ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ परचेज, CGST, SGST, नीचे आया S, सेल, फिर IGST, देन CGST एंड देन SGST। मेरा परचेज का IGST कितना है? मेरा परचेज का IGST है 14,86,000 एंड 488 रुपये। एस का GST में बस 38,06,808 रुपये 75 पैसे। इसका टैक्स है मेरे पास एंड सेल पे आए नीचे हम लोग, सेल का मेरे पास है 49,640 रुपये एंड CGST मेरे पास है 772 एंड दिस मेरे पास है 722। ध्यान दीजिए मैंने क्या करा, मैंने बस कुछ नहीं करा, मैंने ये वाली वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दिया। परचेज का IGST, CGST, SGST एंड सेल का IGST, CGST, SGST। देन मैं अब इसी फार्मूले का यूज करूंगा। सबसे पहले बोलता है कि IGST से IGST माइनस करो, लेकिन सेल का IGST माइनस परचेज का IGST, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा मेरी ये सेल है माइनस ये मेरी परचेज। जब मैंने माइनस करा तो रिजल्ट मुझे किस में मिला? माइनस में मिला। अगर वैल्यू आपकी, इफ अगर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, तो शो करें रिफंड, अदरवाइज शो करें पे टू गवर्नमेंट। वैल्यू प्लस में थी तो गवर्नमेंट हमें रिफंड करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है कि SGST माइनस, सॉरी सेल का SGST हमारे पास टॉपिक आता है सेल का SGST माइनस परचेज का। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा ये वैल्यू भी माइनस में आई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिफंड। फिर मैं नीचे आया, ये मेरी सेल की है एंड देन मैं इसमें से परचेज को माइनस कर दूंगा इस वाली को। देन हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट अगर आप सिंपल करना चाहें तो आप जाने समझ सकते हैं कि जो CGST होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है SGST के, तो आप यही वो वाली वैल्यू को नीचे यूज कर सकते हैं जो आपकी ऊपर आई है, ठीक है। बट फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने लिंकिंग कर रखी है। 52 आ गया रिजल्ट, तीनों पे हमें माइनस मिल रहा है। जब तीनों वैल्यू माइनस में आती है तो हम टैक्स यूटिलाइजेशन नहीं करते। टैक्स यूटिलाइजेशन उस वक्त करते हैं जब एक वैल्यू प्लस में हो और दूसरी वैल्यू हमारी माइनस में होती है, तब हम टैक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। इस केस में हम ये एंट्री कोई नहीं करेंगे और यही एंट्री आपको बीजी के अंदर देखने को मिलेगी। तीनों वैल्यू माइनस में आ रही है तो बीजी ने कोई भी क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं करी। क्या कोई एडजस्टमेंट करी हुई है? हेलो हेलो, अगर मैं आपको एक कंपनी और ओपन करके दिखाऊं, मैंने यह कंपनी ओपन करी बीजी एंड मैंने यहां से पासवर्ड यूजर डाल के एक कंपनी और लॉगिन करके ओपन करके दिखाता हूं आपको। कॉपी है मेरे पास, कंपनी का नाम ले लेता हूं मैं, जैपको फैब्रिक। इंटर मारा, पासवर्ड यूजर डाला, ओपन करा, डिस्प्ले पे आया, GST रिपोर्ट पे, समरी पे, पीरियड सिलेक्ट करा जुलाई मंथ, देन स्टार्टिंग डेट ऑलवेज एंडिंग, एंड इसको ओपन करा। और जैसे ही नीचे आया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस वाले केस में भी हमारी तीनों वैल्यू इसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। जब हमारी तीनों वैल्यू माइनस में आती है तो हमें कोई क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं करना होती। सपोज करो मैं यहाँ पर एक सेल को बढ़ा देता हूँ, मैं इंट्रा स्टेट की सेल को इतना कर देता हूँ कि वो परचेज वाले से ज्यादा हो जाता है, मैं 4,000 पीस कर देता हूँ ताकि जिससे इसका टैक्स रेट बढ़ जाए। सेव कर दिया मैंने एंड
एंड देन बैक करके बाहर आता हूँ। बाहर आया और ध्यान से देखा, अब यहाँ पर टैक्स कितना बन गया, 14 लाख, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे इस टैक्स को और बढ़ा दूंगा। मैं आऊंगा इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ 40,000 था यहाँ मैं इसको 40 लाख कर देता हूँ। 1, 2 एंड इंटर, ज्यादा हो गया। F2 और सेव। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब ये भी अभी ज्यादा आ रहा है। मैं इसी वाले IGST की वैल्यू को कुछ कम कर देता हूँ, जो ये IGST थोड़ा ज्यादा निकल रहा है। मैं इस वाले IGST की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्वांटिटी 35 और 35 कर देता हूँ, ताकि जिससे टैक्स रेट थोड़ा सा कम हो जाए। एंड F2 करके मैं सेव कर देता हूँ। सेफ हो गया, बैक करके आया बाहर। अब मेरे 1,14,00,000 है, मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, इस वाले टैक्स की एंट्री को थोड़ा और कम कर देता हूँ, इनको 50-50 मान लेता हूँ, 50, 50, 50, 50, 50 एंड 50, F2 एंड सेव। बैक बाहर करके आया, अब 1,01,00,000 है। गया मैं नीचे आता हूँ और इसी टैक्स क्वांटिटी को और कम कर देता हूँ, 50, 40 एंड 40 एंड 40 एंड 40, F2 एंड देन सेव। अब भी टैक्स थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है आई थिंक, अब टैक्स 71 लाख रुपए है। देन मैं और कम कर देता हूँ इसको, मैं नीचे किसी भी एक वैल्यू को कम कर देता हूँ जिससे हमारा टैक्स रेट थोड़ा सा कम हो जाए। मैं वैल्यू को, मैं 40 वाली वैल्यू हटा देता हूँ, ये और एक ही रखता हूँ और इसको 40 पीस, F2 और सेव। हो गया सेव, बैक आता हूँ, बैक अब 49 लाख हो गया। देन मैं और कम कर देता हूँ, देन मैं नीचे आता हूँ, मैंने टैक्स वैल्यू को कम करा, यहाँ पर सिलेक्ट करा 35, 35 एंड 35, 35 एंड 35, F2 और सेव। बैक आता हूँ और अब ध्यान देता हूँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक टैक्स मेरा IGST और सेल का IGST, अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको देखूं, तो आप ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर, एक टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना है और बाकी सारे टैक्स गवर्नमेंट से लेने। अगर आप ध्यान देखें तो आपकी एक वैल्यू प्लस में और दो वैल्यू माइनस में। जब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप उस समय एक बटन प्रेस करेंगे, क्रॉस यूटिलाइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने फार्मूला बताया था सेल माइनस परचेस, तो बीजी ने भी वही कैलकुलेशन करी, सेल के IGST में से उन्होंने परचेस के IGST को माइनस किया, मतलब 44,25,100 रुपए के अंदर से उन्होंने 27 लाख रुपए माइनस करा, तो रिजल्ट उनको 16 लाख रुपए मिला प्लस में। फिर उन्होंने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट यूज करा कि सेल का माइनस परचेस, आपकी सेल 3,33,000 थी और आपकी परचेस 6,75,000, तो माइनस कर दो, वैल्यू किस में आ गई, माइनस में, ये वैल्यू माइनस में आ गई। मतलब अब आपके दो टैक्स पड़े हैं, 3,41,825 इसमें, 3,41,825 रुपए इसमें। टोटल जो आपके पास बैलेंस है वो आपके 7 लाख रुपए करीब का बैलेंस है और आपके पास को 16 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो उस समय आपको इन एंट्रियों को करना है। मैंने बोला ना कि जब अगर एक वैल्यू माइनस में आती है और दो वैल्यू प्लस में, या एक वैल्यू प्लस में दो माइनस में आती है, देन आप इसका यूज करते। देखो मैं इस टॉपिक का यूज करता हूँ, मैं IGST कॉलम में ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ जो यहाँ पर आई है, प्लस में आई है 16,45,791 रुपए। देन मेरी माइनस की जो वैल्यू आई वो 3,41,825 रुपए एंड सेम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैंने बोला कि अगर आपको IGST इनकेस पे करना है तो पहले आप IGST को माइनस करेंगे CGST से, और अगर वो फिर भी नहीं खत्म होता तो आप SGST से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मेरा इक्वल लगाऊंगा, मेरा IGST 16,45,789 रुपए 91 रुपए एंड माइनस करना है इसमें से 3,41,825 रुपए।
जैसे ही मैंने माइनस करा तो रिजल्ट मेरे पास जो आया वो 13 लाख रुपए करीब आया। फिर बीजी कहता है और टैली कहता जीएसटी कहता है कि अगर वो फिर भी यूटिलाइज नहीं होता तो आप उसको आईजीएसटी को माइनस कर दो एसजीएसटी से। तो मैं 13,39,666 रुपए में से माइनस कर दूंगा 34,3,41,825 रुपए। जैसे ही करूंगा मुझे रिजल्ट मिलेगा 9 लाख रुपए। तो अब एक्चुअली में जो मुझे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो आईजीएसटी करना है, ठीक है, और वो भी कितना, 9,62,141 रुपए। कितना पे करना है, 9,62,141 रुपए। अगर आप ये चाहते हो कि ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी और बिजी के लिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर दे, तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास एक बटन होता है जिस बटन का नाम होता है F4। अपने कीबोर्ड पे F4 बटन प्रेस कीजिए, यहाँ से पूछेगा आपसे क्रॉस एडजस्टमेंट, आप क्रॉस एडजस्टमेंट में जाइए, फिर जो मंथ की लास्ट रेट होगी वो ऑटोमेटिक बिजी पिक करेगा एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक आपको प्रॉप दिखेगा। अब देखो 3,41,000, 3,41,000, तो टोटल कितना बैलेंस हो जाएगा, 6,83,000 रुपए, और हमारे पास आईजीएसटी 16 लाख रुपए था, तो बीजी ने ऑटोमेटिक उसको यूटिलाइज कर दिया। अब एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर यहाँ तो 16 लाख रुपए करना चाहिए था जबकि यहाँ पर 3,41,000 और 3,41,000, अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो इन दोनों का टोटल आपको 6 लाख रुपए मिलेगा, तो 16 लाख तो पूरा यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए बीजी ने जितना वो यूटिलाइज हो रहा था उसको उतना एक बार में यूटिलाइज कर दिया। हो गया यूटिलाइज। जैसे ही आप सेव करोगे तो बीजी एक और पॉपअप पूछेगा जिसमें पूछेगा जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप क्रॉस एडजस्टमेंट एंड देन सेव। जैसे सेव करेंगे तो देखिए आपके आईजीएसटी में ऑटोमेटिक 9,62,141 रुपए आ गए, जो मैंने अभी आपको एक डेमो पे एक्सेल शीट पे करके दिखाया था। तो ये याद रखना कि जब भी आप किसी मंथ में काम करें तो आप उसकी क्रॉस एडजस्टमेंट जरूर करके चेक कर लें कि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि आपने जो एंट्री करी है उसका टैक्स गवर्नमेंट को एक्सेस ना चला जाए। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई काम करना हो तो इस वे में करते हैं। देन नेक्स्ट हम आगे आते हैं। ये टॉपिक हमारे समरी होने के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जीएसटी रिटर्न का पार्ट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है और इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझ के करना पड़ेगा।